दोस्तों मिडिल क्लास लोग अक्सर बोलते हैं हमारे पास अवसर नहीं थे, माँ बाप का सपोर्ट नहीं था, पैसे का अभाव था, इसलिए हम कुछ ढंग का कर नहीं पाए। पर कुमार कार्तिकाय ऐसे लोगों के मुंह पर एक तमाचा है जो अपने फेलियर का कारण अपने पेरेंट्स को देते हैं, परिस्थितियों को बताते हैं। बिकॉज ऑफ मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होना कोई अभिशाप नहीं बल्कि खुद को सक्सेस बनाने के लिए एक फ्रीलांस अपॉर्चुनिटी है। और फिर कुमार कार्तिकाय ऐसे इंडियन क्रिकेटर हैं जिनके पिता के पास एक साथ एक कंप्लीट किट खरीदने के पैसे तक नहीं थे। और फिर कार्तिकाय ने क्रिकेटर बनने के लिए पिछले 9 साल से अपने घर परिवार को छोड़ दिया और अपनी मुसीबतों की सीढ़ियां चढ़कर 2022 में अपने आईपीएल डेब्यू मैच में ही अपने खेल से लोगों को अपना फैन बना दिया और मुंबई इंडियंस को अपनी पहली जीत दर्ज करने में मदद करके उन लोगों की लिस्ट में शामिल हो गए जिसने सिर्फ 24 साल की उम्र में वो कर दिखाया जिसे करने के लिए करोड़ों युवाओं का सिर्फ सपना ही बनकर रह जाता है, जिनका अपने पहले ही मैच में मैच विनर बन जाना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दोस्तों 26 दिसंबर 1997 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक छोटे से गांव की मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए कार्तिकेय की सक्सेस स्टोरी इतनी आसान नहीं थी। जिनके पिता श्यामनाथ सिंह उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल जबकि मां सुनीता हाउसवाइफ अपने दोनों बच्चों को क्रिकेट में इंटरेस्ट के चलते कानपुर में स्कूलिंग के साथ साथ उन्हें क्रिकेट किट दिलवा पाने में असमर्थ थे, इसलिए कार्तिकेय ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और 10-10 घंटे कानपुर में पसीना बहाने वाले बाएं हाथ की सपेंदर ने 15 साल की उम्र से ही घर छोड़ दिया और फिर दिल्ली में छोटी मोटी जॉब के साथ साथ गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज अकेडमी में दिल्ली का रुख किया। मगर लगातार मेहनत के बावजूद टफ कंपटीशन के चलते कोच संजय भारद्वाज द्वारा फाइनेंशियल सपोर्ट करने के बाद अपने सपनों का पीछा करते हुए कार्तिकेय मध्य प्रदेश चले गए, जहां बहुत जल्द अंडर 23 में सिलेक्शन के बाद उन्होंने पूरे दिन अपने गेम पर फोकस किया और खेलते रहे। दोस्तों खुली आंखों से देखा गया सपना पूरा जरूर होता है और फिर कार्तिकेय ने अपनी मेहनत जुनून और पिछले 9 साल से लगन के चलते 2018 में मध्य प्रदेश के लिए विजय जैरेट ट्रॉफी में लिस्ट ए क्रिकेट की शुरुआत की और अपने 18 विकेट की बदौलत डोमेस्टिक वनडे क्रिकेट के 4 मैचों में 8 विकेट के बाद धीरे धीरे रणजी टीम में जगह बनाई और 2019 में हिमाचल के विरुद्ध अपना रणजी डेब्यू कर 9 मैचों में 35 विकेट लेकर लाइम लाइट में आए और फिर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 2020 क्रिकेट की शुरुआत कर 9 मैचों में 10 विकेट के बाद मुंबई इंडियंस ने उन्हें ट्रायल के लिए बुलाया लेकिन उन्हें अपनी टीम में शामिल नहीं किया। मगर कार्तिकी ने डेडिकेशन के साथ अपने गेम पर फोकस किया और खेलते रहे और फिर शायद इसी डेडिकेशन की वजह से मुंबई इंडियंस ने अचानक अरशद खान के इंजर्ड होने की वजह से 20 लाख बेस प्राइज के साथ उन्हें अपनी टीम में शामिल कर राजस्थान रॉयल्स के विरुद्ध खेलने का मौका दिया और इस बार कार्तिकी मौका चुके नहीं, जिन्होंने अपने पहले ही मैच के 4 ओवर में 19 रन देकर संजू सैमसन का विकेट लेकर अपने टीम के बॉलिंग सेंसेशन बन गई, जिसे ना जाने कितने साल लग गए अपने स्किल्स को साफ करने में। देखने वालों को लगता है कार्तिकी छा गया और उन्हें ये नहीं दिखता इस एक अवसर को अपना गोल्डन अवसर बनाने के लिए कार्तिकी ने ना जाने कितने पापड़ बेले जो पिछले 9 साल से अपने घर तक नहीं गया, जिसने सोच लिया था जिंदगी में कुछ हासिल करने के बाद ही घर जाऊंगा। इसे कहते हैं जिद अपने खेल के लिए, अपने सपने के लिए, अपनी कामयाबी के लिए। तो दोस्तों ये थे कुमार कार्तिकेय। अगर आप कार्तिकेय के फैन है तो इस वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।